देखो ढोलू सोया हुआ था और उठ गया है, और इधर बड़ी वाली दीदी वीडियो कॉल की है ढोलू को देखने के लिए, और ढोलू भी आज अपनी को स्कूल से ले चुके और धूप बहुत ज्यादा है, तो चलते हैं वापस घर पे अपनी चले। और दीदी बना रही है इधर शाम का नाश्ता, ये देखो। सो गाइस इसको बोलते हैं तावा वाला। मेरे पीछे मछली देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा पुराना मछली है, बहुत ज्यादा नहीं भी तो अभी से 1.5-2 साल हो चुका होगा इस मछली को। गाइस तो अभी कॉल किए थे कि अपनी को स्कूल से ले आने के लिए, तो चलते हैं अपनी को स्कूल से लाने के लिए। और गाइस 12 बजे उसका छुट्टी हो जाता है, और 12 अभी बज ही रहा है गाइस, 12 रात के बज रहे हैं 10। और दीदी जीजू सभी लोग खाना खा चुके हैं फिलहाल, तो अब दीदी जा रही है अपने घर पे। और ढोलू वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप से आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 12, सो गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी जाना अपनी को स्कूल से लाने के लिए, बिकॉज चीजू तो सुबह में अपनी को स्कूल छोड़ने गए थे, बट अभी किसी काम में फंसे हुए इसलिए वो नहीं जा सकते हैं, तो अभी कॉल किए थे कि अपनी को स्कूल से ले आने के लिए, तो चलते हैं अपनी को स्कूल से लाने के लिए। और गाइस 12 बजे उसका छुट्टी हो जाता है, और 12 अभी बज ही रहा है गाइस, 12 बज रहा है। और अभी दुकान में थे तो जल्दी से पापा को दुकान में भेजे और ऊपर आए, कपड़ा वगैरह सब चेंज किए हैं, तो चलते हैं पहले जल्दी से अपनी को लेकर आते हैं गाइस। गाइस पहुंच चुके हैं अपनी के स्कूल। चलो भाई अपनी को स्कूल से ले चुके, और धूप बहुत ज्यादा है, तो चलते हैं वापस घर पे अपनी चले, भयंकर धूप है गाइस। तो गाइस फिलहाल अपनी को स्कूल से ले चुके हैं, और जल्दीबाजी में आज हेलमेट लेना भूल गए, बट कोई बात नहीं है। और धूप सच में बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा धूप रहता है उसके बाद फिर छांव हो जाता है। आ चुके हैं वापस अपनी को स्कूल से लेकर, और बाहर का मौसम भाई कभी धूप हो जाता था कभी छांव हो जाता था, और देखो अभी छांव है। बादल तो बहुत तगड़ा लगाया हुआ है गाइस, मौसम बहुत अच्छा, कल रात से ही मौसम बहुत मस्त है। और यहाँ पे रही अवनी, और गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो चलते हैं नहाने के लिए। नहाकर नहीं गए थे क्योंकि जीजू जिसने मैं कॉल किया ना उसमें 12 ही बज रहा था, उसमें दुकान में थे, और 12 बजे इसके स्कूल का छुट्टी भी हो जाता गए, तो जल्दी से घर में आए, पापा पूजा किए, गए दुकान में, और जल्दी से निकल गए अपनी को लाने के लिए। सो गाइस देखो ढोलू सोया हुआ था और उठ गया है, और इधर बड़ी वाली दीदी वीडियो कॉल की है ढोलू को देखने के लिए, और ढोलू भी उठ चुका है। ये देखो ये है बड़ी वाली दीदी जो कि वीडियो कॉल की है, और ये रही अपनी जो कि कपड़ा चेंज कर चुकी है। तो गाइस चलते हैं पहले जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि गर्मी अब सच में बहुत ज्यादा लगने लगा। ऑल राइट गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं, फिलहाल तो टाइम 1 बज रहा है। तो और गाइस आज छोटी वाली दीदी चली जाएंगी, मतलब कि नेहा दी अपने घर ससुराल, तीज वाले दिन शाम में आई थी और आज चली जाएंगी शाम में, नहीं तो रात में चली जाएंगी। फिर उसके बाद फिर मतलब मन नहीं लगेगा, डोली भी चला जाएगा, अम्मी भी चली जाएगी, बट क्या ही कर सकते गाइस। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल तो मम्मी खाना निकाल चुकी है, तो ये रहा खाना गाइस, जो की है चावल है, पूरी है जो कि अपनी के टिफिन के लिए बना था गाइस, वही बचा हुआ 2-3 वो है, और बैगन बड़ी का सब्जी है। तो चलते हैं गाइस खाना खाने के लिए। सो गाइस फिलहाल खाना कंप्लीट हो चुका है और टाइम 1:30 बज रहा है, तो अब चलते हैं दुकान में। और गाइस मेरे पीछे मछली देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा पुराना मछली है, बहुत ज्यादा नहीं भी तो अभी से 1.5-2 साल हो चुका होगा इस मछली को गाइस। देखो और बहुत बड़ा गाइस, बहुत बड़ा, पहले तो ये ऑरेंज कलर का था, अब इसका मतलब जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है ना इसका कलर डाउन होता जा रहा है। देखो बहुत बहुत बड़ा गाइस, बहुत बड़ा। तो गाइस आज दीदी शाम में चली जाएंगी अपने ससुराल, इसीलिए बिस्किट वगैरह कुछ कुछ ले रही है, मतलब कि ले जाने के लिए। ये देखो ये सारा बिस्किट रखी है, ये वाला बिस्किट चाय के साथ सच में बहुत मस्त लगता है, कि स्नैक्स है, मैरीगोल्ड है, हॉर्लिक्स है, बीकाजी का भुजिया है गाइस, और अभी देख ही रही और क्या क्या ले ले जाएंगी अपने घर पे गाइस। शाम में चाय बिस्किट खाएंगी दीदी और अपनी, वो देख देती है पूरा पैकेट लाता है बड़ा बड़ा, दिन बोले कि बड़ा बड़ा पैकेट लाते हैं जी जी, पर पूरा मतलब 2-3 दिन में ही खत्म कर देती है, ले जाएंगे कल तक खत्म कर देगी। पर कुछ भी कहो गाइस ये वाला बिस्किट सच में चाय के साथ ना एक नंबर लगता है, एक नंबर भाई साहब एक नंबर। और ये भी स्नैक्स का बहुत मस्त, ये नमकीन है ना गाइस चाय के साथ सच में मजा आ जाता है, मीठा चाय नमकीन बिस्किट पूछो मत, एक नंबर भाई साहब। और गाइस पूरे 100 रुपए का सामान लिए है, पूरे 100 रुपए का, बट पैसा दिए गाइस, ऐसा नहीं कि बिना पैसा का दिए हैं, पैसा दी है। So, 4 hours later. So, guys, फिलहाल दुकान से वापस आ चुके हैं, और टाइम अभी 5:30 बज रहा है, सो गुड आफ्टरनून।
और दीदी बना रही है इधर शाम का नाश्ता, ये देखो। सो गाइस इसको बोलते हैं तावा वाला पुआ, ये देखो ये आटा का बनता है गाइस, तावा वाला पुआ भी बोलते हैं ना इसको, बहुत मस्त लगता है। हाँ जब हम लोग छोटे थे ना गाइस, जब हम लोग मतलब स्कूल में पढ़ते थे गाइस, मतलब कि फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थे, तब मुझे याद है कि ज्यादातर मम्मी यही बनाकर देती थी तावा वाला पुआ गाइस, आटा गाइस, बहुत मस्त लगता था स्कूल टाइम में गाइस, अभी से नहीं भी तो 8-9 साल पहले का बात है गाइस। और दीदी आज बना रही है मस्त वाला, बाकी बाहर धूप निकला था गाइस बट कोई बात नहीं है, हवा बहुत तगड़ा चल रहा है गाइस, कल रात से ही हवा बहुत अच्छा चल रहा है। सो गाइस ये देखो बन के रेडी हो चुका है और कितना मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है ना, और कलर देखो गोल्डन ब्राउन, बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। तो चलो नाश्ता करते हैं गाइस। सो गाइस फिलहाल अभी जा रहे हैं दूध लाने के लिए, बिकॉज आज बनेगा पूरी और सब्जी और सेवई गाइस, तो उसके लिए चल रहे हैं दूध लाने के लिए। सो गाइस लेकर आ चुके हैं, ये देखो ये रहा दूध जो कि बांध पे से लाने गए थे, और ये सेवई और ये अगरबत्ती, ये दोनों अपने दुकान से लिए, ये बस गए थे बांध पे लाने के लिए, और दीदी आज चली जाएगी ना इसलिए आज बनेगा सेवई पूरी और सब्जी। सो गाइस दीदी रेडी हो रही है बिकॉज जाना है इनको घर, जियाजी भी आ चुके हैं और मम्मी इधर बना रही है पूरी, पूरी छान रही है, वैसे सेवई वगैरह सब्जी सब कुछ बन चुका है, बस पूरी बनाना है, तो पूरी बना रही है, फिर दीदी जियाजी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घर, मतलब कि दीदी जाएगी अपने ससुराल, और ढोलू सोया हुआ है। सो गाइस रात के बज रहे 10 और दीदी जी सभी लोग खाना खा चुके हैं फिलहाल, तो अब दीदी जा रही है अपने घर पे, और ढोलू तो सोया हुआ है, और अबनी देखो सोई भी थी, ये भी उठी है तो रोने लगी है, और दीदी भी रेडी हो चुकी है फिलहाल, जिया जी गए हैं नीचे, तो चलो नीचे तक छोड़ देते हैं गाइस अबनी को। सो गाइस दीदी तो जा चुकी है फिलहाल, अब चलते हैं डिनर करने के लिए, और टाइम भी 10:30 बज रहा है, और ये देखो सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, पूरी है, सब्जी है, भुजिया है, और इधर है सेवई, तो चलते हैं गाइस अब डिनर करने के लिए सभी लोग। सो गाइस फिलहाल डिनर कंप्लीट हो चुका है, इस ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। With you, I'm heavy breathing.